साथ साथ मैं मुझे याद है, मैं एक बार आया था, हमने रशिया से एयरबोट लाई। वो एयरबोट ऐसी है कि उसको इंजन जो है वो लैंड क्रूजर टोयोटो की जो लैंड क्रूजर का इंजन है, ऑटोमोबाइल का इंजन है, उसके जो प्रॉपलर है पंखे वो हवाई जहाज के हैं और उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर है और 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट में वो चलता है। पहली बार हम इलाहाबाद से, प्रयागराज से वाराणसी, ऐसा एक्सपेरिमेंट अभी फरवरी महीने में करेंगे, थोड़ा देरी हुई। पर उसके बाद मेरी इच्छा है कि 80 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ने वाली ये बोट से मैं दिल्ली से आगरा तक आना चाहता हूँ। वैसे अभी जो डीपीआर हमने इंडियन मोटर ने तैयार किया है वो दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक का है, 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 6,000 का ड्रेजिंग है, रिवर पोर्ट बना रहे हैं। शायद आपको लगेगा कि मैं सपने की बात कर रहा हूं, आप जरा वाराणसी से हल्दिया जाइए, 1680 किलोमीटर हमने जलमार्ग बना दिया है, 9 जगह रो रो सर्विस है, रोपैक्स है, 60 रिवर पोर्ट्स है और इस साल 80 लाख टन माल पानी से आ रहा है और अगले 2 साल में 280 लाख टन माल आएगा। अब बांग्लादेश को शुगर भेजनी है, चीनी, तो हम वाराणसी से पानी से भेजने के लिए सोच रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुरू हो जाएगा। अगर रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए खर्चा आता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया खर्चा आता है। दिल्ली के एयरपोर्ट पे कोई भी उतरेगा और वहां से उतर कर डायरेक्ट यहां पर आएगा और 1.5 घंटे के अंदर आगरा पहुंच जाएगा पानी से, और ताजमहल का जाते समय मथुरा वृंदावन दर्शन करके दिल्ली पहुंच जाएगा। वो दिन अब दूर नहीं है। मैंने आज ही मथुरा में